धन्यवाद कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे उपलब्ध कराया और आज भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की। कुछ टेक्निकल रीजन से हम थोड़ा सा देर, पर कोई बात नहीं, देर आए जरूर आए। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हैप्पीनेस को। हैप्पीनेस के बारे में, जैसे ही हैप्पीनेस वर्ड दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे माँ ने कहा था कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इंपॉर्टेंट। यदि ये तीनों चीज़ें हारमनी में हैं, जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो, तो इट मीन्स आप हैप्पी हो। अब यदि देखें तो कुछ वर्तमान परिस्थिति जो हमें समाज में, हमारे विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में, हमारे यूनिवर्सिटीज में दिखाई देती है, तो वो कोई बहुत सुखद नहीं। मैं एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का उल्लेख करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा था 2013 में कि टुडे एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री हैज फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट हैज टू बी रिफॉर्म इमीडिएटली। इट इज आल्सो अनफॉर्चुनेट दैट टुडे एजुकेशन इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन आवर हम्बल ओपिनियन हैपियर टू हैव फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो क्लियरली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता है और जितने एजुकेशन से जुड़े हुए लोग को भी चिंता है और हैप्पीनेस के बारे में समय समय पर काफ़ी सारी बातें भी हुई हैं। अब यदि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देखें तो बड़े चौंकाने वाले हैं। कैसे कि 2017 में हमारी जो रैंक थी हैप्पीनेस रैंक ग्लोबल रैंकिंग में वो 122 में 155 कंट्री, 2018 में वो रैंक गिर के 123, उसके बाद 2019 में वो 140 हो गए और दुखद बात है 2020 में यदि हम ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें, रैंकिंग में देखें, तो हम 144 में 156 देखें। यानी कि जो नीचे की वर्ल्ड कंट्री हैप्पीनेस के मामले में हम उनमें। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको जस्टिफाई करें कि नहीं ये आंकड़े गलत हैं, इस तरह से दिए गए हैं, हो सकता है कुछ तरीके से, पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से। और हैप्पीनेस इंडेक्स में यदि सबसे ऊपर वाला देश है तो फिनलैंड है और सबसे नीचे देश सूडान है, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो सब ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग में हमसे दूर। ये एक और चौका है। अब यदि हम देखें तो हमको स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में क्या दिखाई पड़ता है? स्टूडेंट अपेक्षाकृत पहले से अभी ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिखाई देते हैं या हमें वो ईजी दिखाई देते हैं? हम देख रहे हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिखाई दे, कहीं ना कहीं देखें तो अब बुलिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो भी बढ़ गया। डिप्रेशन रेट डे बाई डे बढ़ रहे हैं। एंग्जाइटी बच्चों में ही सारी रिसर्चेस पता थी जो एजुकेशन कि चाहे वो टेस्ट एंग्जाइटी हो, चाहे जॉब एंग्जाइटी हो, चाहे दूसरी तरह की एंग्जाइटी, तो वो भी डे बाई डे बढ़ रही बच्चों, कम नहीं हो रही। और देखें जो सुसाइडल टेंडेंसी है, तो अभी एक रिसर्च में कहा गया है कि करीब 8 लाख लोग एक साल में सुसाइड करते हैं और उनमें से सबसे बड़ा वो यूथ का। अब ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस कोई पहली बार ऐसा हुआ कि हैप्पीनेस का नाम हुआ, हैप्पीनेस से अलग अलग तरीके से हमारी जितनी भी संस्थाएँ हैं, जैसे सबको पता होगा जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं कि यूनेस्को में 1996 में जो डेवलप संगठन की रिपोर्ट थी, तो उन्होंने जो प्रेजर विद इन लर्निंग के चार पिलर की बात कि भाई 21st सेंचुरी में लर्निंग को चार ही पिलर, क्या लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू करने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी होने के लिए सीखना और लर्निंग टू लिव फॉरएवर साथ साथ जीने के लिए। ऐसा
ये डेवलप सब्सटेंसेस रैपिड में कहा गया। अब यदि हम देखें तो जो भी हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज हो, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो चाहे वैल्यू एजुकेशन पे हो, फीस एजुकेशन पे हो, और फॉर वेल बीइंग पे हो, सब तरह का ऐसा नहीं कि काम नहीं। और देखें जो भी डॉक्यूमेंट्री आए हैं, जैसे LCF आया, तो NCERT में भी आप देखेंगे सब फीस की बात हो, ह्यूमेनिटी की बात की थी, हारमोनी की बात की थी सोसाइटी में, और इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की थी, और जो भी लव है, अफेक्शन, वो सारी बात उन्होंने की है। तो ऐसा नहीं है कि ये आज बात हो रही है, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की थी, उन्होंने क्रिएटिविटी की बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की थी। आप जब भी NCERT को देखेंगे, जो एस्पायरेंट टीचर्स हैं, जो आगे कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, तो इन सब मुद्दों पर बात, और हम भी खूब सारे क्रिटिकल थिंकिंग पे भी बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग पे भी बात करते हैं, और जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे भी बात करते हैं, जितनी भी हमारी ये हम सारे की सारी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बात नहीं करते, पर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। NCERT ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारी बात की, और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं हमने थ्योरी में, चाहे वो DLED में देखें, BEd में देखें, MEd में, वो अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, सेल्फ अवेयरनेस जो है डेवलप करना, वो एक एजुकेशन का काम है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करना भी एजुकेशन का काम है, और चाहे वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, चाहे एम्पैथी की बात हो, सोशल अवेयरनेस, ये सभी जो है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, और टाइम टू टाइम और सभी तरह के दस्तावेजों में इनकी बात। अभी UGC का रिसेंट जो लेटर आया है, वो सब लोग अवेयर होंगे इस बात से कि अब तो वो और क्या बात कर रहे हैं, जैसे हम LCS की बात करते थे, अब वो LOCF की बात कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क। कि अब जो फ्रेमवर्क बनेगा वो इस बात से बनेगा कि जो लर्निंग आउटकम है, हम सोच क्या रहे हैं कि हमको कैसा बच्चा चाहिए, तो इस बेस पे हम अपना करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। जैसे पहले था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पर अब जो नाम होगा वो उसका लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क। ये रिसेंट डेवलपमेंट है विद इन वीक, इसी वीक फाइल। अब यदि एज ह्यूमन हम देखें, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं, और चाहे मेम्बर ऑफ सोसाइटी, हम देश के नागरिक हैं, हम किसी भी तरीके से देखें, पर वी ऑल आर ह्यूमन। तो ह्यूमन की एस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, यानी कि हमारी एस्पिरेशन एज ह्यूमन क्या है। एस्पिरेशन है एक वसुधैव कुटुंबकम, देखेंगे कि हमारे जैसे देश में तो ये बहुत पहले से बात होती रही है, वसुधैव कुटुंबकम की। दूसरा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि सह अस्तित्व, शांतिपूर्वक जो है वो सह अस्तित्व में, क्योंकि आप देखेंगे कि अकेले में जीना नहीं होता, ह्यूमन बीइंग अकेले में कुछ नहीं कर सकता, और जितनी भी हमारी नेचर की एंटिटी हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करती है। यदि एक चीज़ खराब होती है तो दूसरी चीज़ ठीक हो जाती है, और हो जाए ऐसा नहीं है तो चांसेस होते हैं कि दूसरी भी ज़्यादा खराब हो जाए। और नेक्स्ट थिंग है हारमोनियस रिलेशनशिप। अब हम यदि देखें इसको, मैं बिल्कुल टॉपिक पे आता हूँ कि हमारे एजुकेशन के दो ऑब्जेक्टिव, एक है हमारा स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्किल का जो डेवलपमेंट है वो करना, और एक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि व्यक्ति का विकास, उसको कहें हम समझ का विकास, और एक है कौशल का विकास। तो हम देखेंगे कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में जितना स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है उसमें कोई कमी नहीं है। हम स्किल में देखेंगे एक से एक बेहतरीन हमारे यहाँ डॉक्टर है, एक से एक बेहतरीन इंजीनियर है, और चाहे वो हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, सारा काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, इससे बहुत सारा काम किया है। पर जब हम समझ के रूप में देखने में आते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है,
और वो करप्शन ना करे तो हमारी एजुकेशन में जबकि हमारे यहाँ बच्चा 3 साल का 4 साल का दिल्ली में मान लो स्कूलिंग होगी तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, हमारे यूपी के इंटीरियर में थोड़ा बच्चा देर से आता है, पर यदि हम फिर भी देखें तो 3 साल से 5 साल के बीच में कोई भी उम्र हम रख लें तो उम्र में बच्चा हमारे पास का मतलब मान लो 5 क्लास पढ़े पहले 2 क्लास पास करता है जो भी हम नर्सरी के जी जो भी हम क्लास के नाम बोले तो 7 साल और उसके बाद फिर वो 6 से 12 तक जो करता है 7 साल वो वहाँ पढ़ता है महाविद्यालय में जो है बच्चा आ तो अब यदि वो पढ़ा है वहाँ और उसने 14 साल जिंदगी के एक स्कूल में दिए हैं तो उसका कुछ जो कंडक्ट है उसका आचार व्यवहार उसका आचरण वो निश्चित हो जाना चाहिए, वो समझ वाला दिखते जाना चाहिए, पर हमें समझ है भी ऐसा नहीं समझ नहीं है पर वो पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, कहीं कहीं तो वो पूरा मिसिंग दिखाई देता है। तो इसलिए बच्चे ने तो हमें 14 साल दिए पर शिक्षण को एक्चुअल में जो कहना था एजुकेशन के रूप में हम लोग वो नहीं दे पाए, तो इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आगे थोड़ा सा हमें एक मुद्दे देखा। अब हम सब अपने जो सवाल करें सवाल तो हम चाहते क्या है, वो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो स्त्री हो पुरुष हो अपार्ट फ्रॉम जेंडर एंड कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर हम सभी क्या चाहते हैं, हम सभी पीस चाहते हैं शांति चाहते हैं, और जो वो शांति है वो हमेशा चाहते हैं कभी कभी चाहते हैं कि नहीं कभी शांति मिल जाए और कभी अशांति ही चले, हम झगड़ा नहीं चाहते हम जंग नहीं चाहते, चाहना मैं बोल रहा हूँ अब तो कोई कह सकता है नहीं भी दिखाई देता है कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है बिल्कुल दिखाई देता है। आई एम आल्सो एग्री, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि ये दिखाई देता है, पर यदि आप देखें अपने आस पास तो कुछ दिखाई देगा, पर हमारी चाहना में क्या है, हमारी जो चाहना है वो क्या है, हमारी चाहना है कि हमें शांति मिले हम पीस में रहें, लड़ाई झगड़ा चाहना नहीं, और पीस भी हमको चाहिए कितनी चाहिए पूरी चाहिए हमें ऐसा नहीं है हम खुद हमेशा होना चाहते हैं खुद कभी कभी होना चाहते हैं, हम हमेशा खुद भी हम हमेशा होना चाहते हैं क्योंकि हमारा काम कम खुश होने से चलता नहीं, तो इसलिए ये हैप्पीनेस जो कॉन्सेप्ट है इस पर बहुत सारी बात हो रही है और इस पर दिल्ली में भी बात हुई, ये अभी मैं थोड़ा सा प्रकृति की बात कर रहा हूँ कि इसके मूल में क्या है, क्योंकि देखिए एक फंडामेंटल डिजायर है इसकी हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस है वो एक फंडामेंटल डिजायर है किसकी, ह्यूमन बींग की, सभी ह्यूमन बींग की फंडामेंटल डिजायर, किसी से भी पूछोगे तो वो यही कहेगा कि नहीं मैं हैप्पी होना चाहता हूँ। जैसे हम एक उदाहरण लें सभी जो एस्पिरेंट टीचर्स हैं कि अच्छा ये बताइए आप 12th में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, मैं यूपी टॉपर बनूं CBSE का टॉपर बनूं या मेरी कोई और पोजिशन हो, चलो ठीक है आपके उतने मार्क्स आ गए आप खुश हो गए, तो वो थोड़े समय के लिए खुश हो गए, अगला उसका ऑब्जेक्टिव होगा नहीं ऐसा है IIT में एडमिशन हो जाए MBBS में हो जाए या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन में हो जाए, मैं IIT BSU में ही चला जाऊँ, ऐसे उसके सपने होंगे, उसके बाद वहाँ भी एडमिशन हो गया क्या वो खुश हो गया, नहीं ऐसा तो देखने में नहीं आता, फिर वो कहता है कि नहीं मुझे एक ब्रांच मेरी मनपसंद मिल जाए, फिर उसको कहो कि अच्छा आप खुश हो जाओगे, ब्रांच भी मिल गई लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हुआ, फिर रहता है मेरा प्लेसमेंट ऐसा हो जाए, तो अल्टीमेट देखेंगे तो जो पढ़ना था वो
भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, जो टॉक करना था वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, अल्टीमेट में उसको हैप्पी होना था, और ये सारे उसके हैप्पी होने के तरीके कि मैं मार्क्स लाके हैप्पी हो सकता हूँ, मैं टॉप करके हैप्पी हो सकता हूँ, मैं यहाँ सिलेक्शन मेरा हो जाए तो मैं हैप्पी हो सकता हूँ। तो इट मीन्स ये सब उसके सोर्सेज थे, पर अल्टीमेट क्या था ऑब्जेक्टिव? हैप्पी होना। एक और दूसरा एग्जांपल लें, किसी को लगे कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, अब आप एक व्यक्ति को उतना पैसा दे दो जितना उसको चाहिए, उसको कई गुना पैसा दे दो, लेकिन कंडीशन ये है कि ये पैसा लॉक रहेगा और इस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। आप देख सकते हो यदि चाहो, हर रोज देख सकते हो, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते। आप बताइए वो हैप्पी होगा या अनहैप्पी होगा? पैसे कमाना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव था पैसे कमा के उन पैसों से कुछ प्राप्त करना, और जो उन पैसों से चीज खरीदेगा तो उससे भी हैप्पी होना। आप कहीं तक दौड़ लगा लीजिएगा, जो अल्टीमेट एम है वो हैप्पीनेस है। ये सारे के सारे जो जितनी चीजें हैं, ये सारे के सारे हमारे सोर्सेस हैं। कई बार हम सोर्सेस को अल्टीमेट मानते हैं। ह्यूमन बीइंग में दो चीज अलग होती है, क्या? एक तो ह्यूमन थिंकिंग बीइंग है, ह्यूमन सोचता है। आप देखिए, ह्यूमन के अलावा कोई भी एंटिटी, जो भी यूनिवर्स में एंटिटी है, वो सोचते नहीं है। हम कहते हैं कि पशु पक्षी भी सोचते हैं टू सम एक्सटेंट, हो सकता है कुछ केसेस रहे हों, लेकिन जनरली वो कोई प्लान नहीं करते। आप देखेंगे कि जो भी पशु पक्षी हमारे, यदि कोई अपनी गुफा बनाएंगे, कोई घोंसला बनाएंगे, तो जैसा घोंसला वो अब से 50 साल पहले बनाते थे, ऐसा ही वो आज बना, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं है पहले ऐसे बनाते, अब डेवलप कर ले ऐसा बनाए, इट मीन्स कोई थिंकिंग बीइंग नहीं है। दूसरा, हम सोचते हैं, हम जानते हैं, और हमारे कुछ नोशंस होते हैं, यानी कि हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं, हम सबकी कुछ मान्यताएं। आप देखिएगा, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, मैं यहाँ इतनी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, चीजें बहुत सारी डिस्कस करनी है। हम सबकी कुछ ना कुछ हम किसी किसी मान्यता के साथ, जैसे कि मान्यता होगी मैं गांव से दो पैसे कमा लेगा तो वो अच्छा बच्चा। अब इसको जांचने की बात है कि भाई क्या वास्तव में वो अच्छा हो गया यदि ऐसा उसने कर दिया। फिर दूसरे पल हमारी मान्यता कुछ और होती है कि अच्छा अच्छे की परिभाषा। अब यदि आप किसी से भी पूछें वो परिभाषा कहां से आएंगी, वो मान्यताओं के आधार। तो पूरी मानव जाति के सामने कोई सवाल है जिनका वो आज तक, और हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस उसी का कारण है कि और कैसे, यानी कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं और कैसे जी रहा हूं। अभी हम जितने भी हमारी एक्टिविटी दिखाई देती है वो पूरी की पूरी एक्टिविटी दिखाई दे कैसे की, ना कि हमारी क्यों जीने की। तो ये हमारे सारे के सारे किसके कारण आता है, ये नोशंस के कारण। अब जैसे हैप्पीनेस के बारे में भी हमारा नोशन होगा जो दूसरी चीजों के बारे में हमारा नोशन है, ऐसे थोड़ी कि हमारा हैप्पीनेस के बारे में भी नहीं होगा। अब हैप्पीनेस क्या है, आप यदि इंटरव्यू करें, कोई इंटरव्यू शेड्यूल बनाए, क्वेश्चनेयर बनाए, कोई और टूल बनाए, और किसी को रिसर्च करनी हो कि हैप्पीनेस क्या है, तो आप देखेंगे यदि 100 बच्चों से, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है स्टूडेंट, उनसे इवन टीचर से, इवन टीचर एजुकेटर से, यदि हम सैंपल इकट्ठा करें 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, कि हैप्पीनेस क्या है, तो हैप्पीनेस की परिभाषाएं अलग अलग हैं, और वो सारी परिभाषाएं किसके आधार पे आएंगी, जो हमारा नोशन है उसी के आधार पे। बहुत लोग मिलेंगे ऐसा है, खाओ पियो टाइम से सो जाओ, इससे बड़ी हैप्पीनेस
कोई कहेगा नहीं भाई हैप्पीनेस तो एक 3 BHK का मकान हो उससे बड़ी हैप्पीनेस, किसी की हैप्पीनेस ये है कि पर किसी यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए उससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ नहीं। और यूनिवर्सिटी में हो गया तो फिर किसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाए तो इससे बड़ी हैप्पीनेस कुछ नहीं। तो ये मैं लाइटर मोड में कह रहा हूँ, हैप्पीनेस के हमारे अपने अपने लोग, फिर उसको अचीव कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे नोटन हमारे मोबाइल में, अब जिसकी जो मान्यता होती है उसको पाने के लिए वो पूरा दम खम लगा। जैसे किसी के नोशन में है ज्यादा पैसा मींस ज्यादा हैप्पीनेस, तो वो पैसा कमाने के लिए अपना जी जान लगा। किसी का है ज्यादा बड़ी पोस्ट मतलब हैप्पीनेस, तो वो फिर पोस्ट को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा। किसी को लग रहा कि अच्छी बॉडी तो वो चाहे जिम जाए चाहे एक्सरसाइज करे उसको पाने के लिए कुछ भी लगा देगा। तो जो जिस चीज को महत्वपूर्ण मानता है आप अपने में जानिए, जो भी जिस चीज को इम्पोर्टेंट मानता है उसके लिए अपना सब कुछ दाव देगा। अब देखें हम यदि कोई व्यक्ति रिलेशन को इम्पोर्टेंट मानता है तो वो अपने भाई के साथ रिश्ते को बचाने के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते को बचाने के लिए या जो अन्य हमारे संबंधी हैं उनके साथ रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है क्योंकि वो उसको महत्वपूर्ण मान रहा है। और दूसरा वो ऐसा भी है सारे संबंध खत्म कर देता है किसी प्रॉपर्टी के लिए, मीन्स वो प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट। तो यहाँ ये चीज कंक्लूड हुई कि जो जिसको इम्पोर्टेंट मानता है उसको पाने के लिए वो अपना सब कुछ लगा देता है। अब हैप्पीनेस है क्या, इसमें दो चीज हमें जाननी जरूरी है। एक है हमारा गोल और एक है हमारा सोच या जिसको कहें मीडियम। आप देखिए हैप्पीनेस तो सबको चाहिए लेकिन सोर्स सबके अलग अलग, कैसे? किसी का सोर्स है फूड, यदि मैं ये खा लूंगा, यदि मैं ये म्यूजिक सुन लूंगा, यदि मैं ये किताब पढ़ लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाए। यानी कि वो सारी बात किसकी हो रही है, सारी बात हो रही सोर्स किसकी। उसमें सोर्स इसमें कोई फूड भी हो सकता है, कोई मकान भी हो सकता है, कोई हमारा सेलेब्रिटी भी हो सकता है, कोई चाहे हमारे मनी हो सकती है, कार हो सकती है, करियर हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकती है हमारी। ये सारी की सारी चीजें हैं हैप्पीनेस को पाने के मीडियम सोर्स। ये एक्चुअल में हैप्पीनेस। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि हमने इन्हीं को हैप्पीनेस मान लिया जबकि ये हैप्पीनेस के सोर्सेस थे और सोर्सेस सबके अलग हो सकते हैं। तो हमें इस बात से, इस डिस्कशन से क्या समझ में आया अब तक जो हमने बात की कि हैप्पीनेस के सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जो स्रोत है वो अनेक हो सकते हैं लेकिन हैप्पीनेस एक हो, हैप्पीनेस एक वन और सोर्स अनेक। तो हैप्पीनेस जो है वो क्या है, वो एक होगी और वो कहीं ना कहीं हमको किसी भी सेंस में वो गोल के रूप में दिखाई दे। तो हैप्पीनेस, अब देखिए हैप्पीनेस आउटर स्टेट हुई या इनर स्टेट हुई? हैप्पीनेस इनर स्टेट, एक अंदर की स्थिति। कैसी स्थिति है? जब मैं रिलैक्स फील करता हूँ, जब मैं एंजॉयमेंट फील करता हूँ, जब मेरे साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, नो कॉन्फ्लिक्ट विद इन, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब मैं सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ, जब मैं कंटेंटमेंट फील करता हूँ, संतोष फील करता हूँ, जब मैं शांति फील करता हूँ, तो इट मीन्स मैं हैप्पीनेस की स्टेट में। तो इसीलिए कहा गया कोट अनकोट करके कि हैप्पीनेस इज एन अंडरलाइन एस्पिरेशन बिहाइंड एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उस सब के करने के पीछे एक ही कारण है कि हम हैप्पी हो। तो इसका जो हमने फिलॉसफी दी है हैप्पीनेस की वो है हमारे मध्यस्थ दर्शन पे आधारित या को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। हम ये कह रहे हैं कि आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, हैप्पीनेस आइसोलेशन में नहीं होती। यदि एक हम एग्जांपल लें कि किसी व्यक्ति को कहा जाए जो वर्ल्ड की सबसे सुंदर जगह कौन सी है, तो एक दो नाम आते हैं। उसने कहा कि स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड में उसको जितना वो चाहता है, मान लीजिएगा 2000 स्क्वायर मीटर का बंगला या 5
10,000 या 10,000 कितना ही बड़ा एक बंगला दे दिया और वहां सब मशीनें होंगी, सारी सुविधा होंगी, सब रोबोट होंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। उसको कह दिया जाए यहाँ आपको रहना है, जो भी चाहोगे सब मिले, हमें लगेगा कि वो हैप्पी हो गया। कुछ समय तो हो सकता है कि वो कोप अप कर जाए, पर आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बर्नआउट हो जाए, वो जितना पहले अनहैप्पी था उससे भी ज्यादा अनहैप्पी हो जाए। तो हम जो बात करते हैं वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी की बात करते हैं, और इसमें जो डिफाइन किया है हैप्पीनेस को ए स्टेट ऑफ नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि नो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, सिनर्जी और ए स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं हूं, मेरा अपने साथ तालमेल है, मैं मेरी स्टेट जो है वो एक्सेप्टेंस की है, मैं स्वीकार्यता की स्थिति में हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं हैप्पी हूं। या व्हेन वन इज इन हार्मनी विद इन एंड विद द वर्ल्ड आउटसाइड वन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। यदि मैं अपने साथ और बाहर की जितनी चीजें हैं उन सब के साथ मैं हार्मनी में हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं हैप्पी हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया मध्यस्थ दर्शन का, ये श्री ए नागराज जी ने दिया, और इसकी जो ब्यूटी है वो ब्यूटी ये है कि फ्री फ्रॉम ऑल बायस। ऐसा नहीं है, अभी देखो हमारे नोशन कितने हैं, जैसे किसी का नोशन होता है गोरा रंग अच्छा होता है, नोशन है। अब क्या आप जांचने में जाएंगे तो कोई स्टडी ऐसी बताती है कि जिनका रंग गोरा होता है उनके सारे कंडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, और जिनका रंग काला होता है उनके सारे कंडक्ट बहुत खराब होते हैं। यदि हम इसको वेरीफाई करने में एक सैंपल लेंगे तो देखने को नहीं मिलता। हमारा नोशन है किसी का, जो विशेष रूप से नॉर्दर्न बेल्ट के लोग हैं, उनका नोशन है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये नोशन है या सच है, तो इसको जांच लें हम, तो हम पाएंगे बार बार कि ये बहुत सारे नोशन हैं हमारे। तो एक नोशन है कि शहर के लोग अच्छे होते हैं, अब देखें हम कि ये नोशन है या सही बात है। तो अभी हम बहुत सारी मान्यताओं में जीते हैं, और उन मान्यताओं को जो हमारे नोशन है उनको हम वेरीफाई नहीं करते। तो श्री ए नागराज जी ने यही कहा था कि जो भी चीज आपके सामने आए पहले उसको वेरीफाई करें, और उसको वेरीफाई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, उसको ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, और उसको स्त्री पुरुष कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि सही चीज क्या है। अब यदि वो चीज यूनिवर्सल है तब तो सही होगी ना, वो वेरीफाइबल है, वो लॉजिकल है। तो आप देखें कि यदि इन मानदंडों पर खरी उतरती है ठीक है, और यदि इन मानदंडों पर खरी नहीं उतरती कि भाई वो प्रैक्टिसेबल भी नहीं है, एप्लीकेबल भी नहीं है, तब तो वो चीज सही नहीं होगी ना। और जो इन सारे मानदंडों पर खरी उतरती है, हमारे रिसर्च क्या कहते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि यदि इतने मानदंडों पर खरा उतरती है तो वो बात सही है, और यदि इतने मानदंडों पर खरा नहीं उतरती तो वो सही नहीं है। तो कोई भी बात जब आए कि सही है गलत है तो उसको वेरीफाई करें, वरना वो सिर्फ एक नोशन। अभी तो नोशन है नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आप देखिए हमारी बोलचाल में भी आ गया है, हम ये कहते थे मैं तो ऐसा मानता हूँ, भाई आप मानते हो लेकिन ऐसा है नहीं, उसको देख लिया जाए। तो श्री ए नागराज जी ने जो मध्यस्थ दर्शन में को एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी इसमें बड़े ब्यूटीफुल इस चीज को कहा है, उन्होंने एक हैप्पीनेस ट्रायड की बात कि हम तीन तरह की हैप्पीनेस, तीन तरह की हैप्पीनेस कौन सी। एक जो हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, वो बात करते हैं हम मोमेंट्री हैप्पीनेस, यानी कि सेंसरी प्लेजर, जिनको हम तुरंत हम फील कर सकते हैं। कैसे? हमने कुछ खाया तुरंत भाई मजा आ गया। अब आप ये बताइए मजा आया, बिल्कुल आया, कोई ये मना नहीं कर रहा कि सेंसरी प्लेजर किसी को नहीं चाहिए या मोमेंट्री हैप्पीनेस नहीं चाहिए, चाहिए वो भी चाहिए। लेकिन आप देखें कि आइसक्रीम किसी ने खाई और कहा भाई मजा आ गया, अब आप ये बताइए कि उस आइसक्रीम के मजे में कितने समय रह सकते हैं आप, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट। आपने कार ली, भाई फला कार है, यही उसमें फीचर्स है, मजा आ गया, लेकिन आप उस कार के मजे में परमानेंट नहीं रह सकते, थोड़े समय रह सकते हो। तो जो भी जितनी फिजिकल थिंग्स रहती है, चाहे वो खाना हो, पहनना हो, कोई मूवी देखनी हो, कोई म्यूजिक सुनना हो,
तो वो जितनी चीजें होती हैं उन सबसे हमें जो भी हैप्पीनेस मिलती है वो हैप्पीनेस हमें टेम्परेरी मिलती है, मोमेंटरी मिलती है और सेंसरी प्लेजर्स के द्वारा उसको ले। कोई पे कमीशन आया, कोई प्रमोशन हुआ, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट हो गए, कैश हो गया, मान लो एसोसिएट से हम प्रोफेसर हो गए, डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप देखिए हर रोज वो हमें सुख नहीं देगा। वो जब हुआ कुछ दिन तो बात होगी, भाई फलां का सिलेक्शन यहाँ हो गया, ग्रुप में डलेगा, सब बधाई देंगे, लेकिन वो लंबे समय वर्क नहीं करता। लंबे समय तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, चाहे वो जिस पोस्ट के साथ भी लंबे समय तो वही काम। तो पहली जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं है जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के साथ है। दूसरी जो हमारी हैप्पीनेस है जिसकी हम बात करते हैं वो है हैप्पीनेस इन फीलिंग, यानी कि जब हम किसी फीलिंग के साथ हैप्पीनेस में होते हैं, हम ये डीपर हैप्पीनेस है जब हम रिलेशंस में की बात करते हैं, जैसे किसकी फीलिंग, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, फीलिंग ऑफ केयर, ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ जब हम रिलेशन फील करते हैं, तो ये जो हैप्पीनेस है पहली हैप्पीनेस से ज्यादा लंबे समय तक। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप दो फ्रेंड मिले काफी समय बाद में, मान लो डॉक्टर सोमू सिंह जी के साथ कोई पढ़ा और अब कोई सिक्किम में जॉब कर रहा है, काफी समय बाद मिला और मिलके आप देखिए कि वही एक बहुत अच्छा सा ऐसा है कि भाई नहीं यहाँ पे पूरी गर्मी है, लेकिन आप चाहोगे कि बेशक गर्मी है मैं थोड़ी ज्यादा देर इससे बात, फिर वो गर्मी की भी फीलिंग नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको उस रिलेशन में आप एंजॉय कर रहे हो, अरे मेरा दोस्त इतने दिन बाद में, मेरा भाई इतने दिन बाद में, मैं इससे बात करता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। इसका दूसरा एग्जांपल, आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, यदि ठंड है तो आप उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, हीटर लगाया हुआ है, और यदि गर्मी का टाइम है मई जून की तो आप एसी में बैठे हो, लेकिन संबंधों में तनाव है, जो भी दो लोग बैठे हैं तो उनको वो एसी भी सुकून नहीं दे पा। तो आप बताइए, आप एक व्यक्ति के साथ जिससे आप अच्छा संबंध महसूस करते हो उसके साथ आप गर्मी में भी रहना चाहोगे, और जिससे आप अच्छा संबंध महसूस नहीं करते उसने आपको कोई भी एसी जो है वो सुकून नहीं दे। तो ये हमें प्रत्यक्ष में देखने में आता है, ये हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म तक काम करता है, ये हैप्पीनेस लंबे समय काम करता है। और जो तीसरी हैप्पीनेस है जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल हैप्पीनेस, यानी कि जिसमें गोल और क्लैरिटी बेस्ड हमारी हैप्पीनेस, जिसमें हमको क्लैरिटी हो। क्लैरिटी कैसी, कि जैसे फीलिंग व्हेन वन अचीव वन्स गोल, क्लैरिटी ऑफ थॉट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, खुद को समझना, टीम को समझना, फोकस्ड होना, माइंडफुल होना और किसी भी चीज पे एक अनबायस होके थॉट करना, फिर डिसीजन मेकिंग, और फिर जो भी उसके हमारे लिविंग में उस चीज को हम कैसे इनकॉर्पोरेट, यानी कि पहले उस चीज को फील करना, फील करके हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना, थॉट प्रोसेस के बाद हमें क्लैरिटी होना कि इस चीज का पर्पस क्या है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना अपने चीज में। जब वो अपने जीने में आ जाता है तो फिर झंझट सारा खत्म हो जाता है। अभी देखिए आप कि तमाम हमें किताब पढ़ाई जाती है, हमारे पूर्वज हमें पढ़ाया जाता है कि वैल्यू, वैल्यू एजुकेशन, कोई बुराई नहीं है, इन्हीं से सब कुछ ठीक है, वरना और गड़बड़ हो जाता। तो जो भी वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन, सब कुछ बताया जाता है और बड़े भी बताते हैं डूज एंड डोंट्स, ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा वर्क नहीं करती, क्योंकि हमें जरूरत है आज के समय में देखें तो वैल्यू एजुकेशन से ज्यादा जरूरत है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो भी जो पेपर ले रहा है, मान लो किसी को सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है कोई पढ़ा रहा है, कोई और पैडागोजी का पेपर पढ़ा रहा है कोई भी, या पढ़ रहा है, तो उसको कुछ भी पढ़ने और पढ़ाने से पहले क्लैरिटी हो कि ये पेपर है क्या, इस पेपर को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके पढ़ाने का पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है। अब आप देखिए कि हम खूब पढ़ाते हैं कि वैल्यू टू ईच अदर,
कितना वैल्यूड करते पाए जाते हैं। रोड रेज की घटनाएं जो है हर रोज बढ़ रही है। सोसाइटल टेंडेंसी देखिएगा कि हम बताते हैं सभी बच्चों को नहीं कूल रहिएगा, काम रहिएगा, लेकिन वही हम सिखाते हैं कि नहीं आपको टॉप करना है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बच्चे को समझ में नहीं आता कि मुझे एक दूसरे के साथ सहयोग में रहना है या कॉम्पिटिशन में रहना है। अब हर बच्चा तो टॉप कर नहीं सकता, अब जिस बच्चे ने टॉप कर दिया वो तो अच्छा बच्चा, और जिसने टॉप नहीं किया, टॉप एक बच्चा करेगा और क्लास में टॉप ना करने वाले बच्चों की संख्या 49 होगी। यदि 50 बच्चों की क्लास है तो 49 बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया, क्योंकि हमने उसको बार बार ये बताया कि टॉप करना ही सब कुछ होता है। टॉप करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता में हम ये लाते कि इन चीजों को पढ़ना और इन चीजों को समझना, इनको लाइफ में एग्जीक्यूट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन। और यदि इस हिसाब से कोई पढ़ाई करेगा कोई बच्चा तो मार्क्स डिफॉल्ट सेटिंग, मार्क्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता, मार्क्स के आएंगे ही, लेकिन ये चीज अभी हम देखें कि किसी तरीके से कोई एक सर्टिफिकेशन हो जाए बच्चा, बस शायद काम बन जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग पार्ट है। तो आज की जो टाइम में मुझे लगता नीड ऑफ द आवर है वो है कि वी ऑल मस्ट शिफ्ट फ्रॉम वैल्यू एजुकेशन टू वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इस एजुकेशन की वैल्यू है क्या? एक मैथमेटिक्स टीचर है, यदि वो एस्टिमेशन बताता है तो लाइफ में हर जगह वो एस्टिमेशन काम आएगा ना, लेकिन एस्टिमेशन कहीं करता हुआ दिखाई नहीं देता। यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसने पढ़ी है, और हम लोगों ने सबने जितने भी टीचर एजुकेटर हैं बहुत तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाई है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम उसकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम आती है उसको वो हैंडल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप उसको पढ़ाए थे, उसने सीखे नहीं थे। टीचिंग और लर्निंग देयर आर टू डिफरेंट थिंग। अभी हम देखें तो बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि हम पूरी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ बहुत सारे लोग टीचिंग करते हैं, पर लर्निंग कितनी हो रही है इसको भी थोड़ा सा देखने की। अक्सर ऐसा हो जाता है टीचिंग 100% है पर लर्निंग मिसिंग है। यदि टीचिंग थोड़ी कम हो लेकिन जितनी टीचिंग हो उतनी लर्निंग हो जाए या उससे भी ज्यादा लर्निंग हो जाए तो ये शायद आज की आवश्यकता। तो इस हैप्पीनेस करिकुलम की जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी वो ये पड़ी, हमारे बच्चे थ्रेट में है आज, आप देखिए वो थ्रेट फील कर रहे हैं, वो घर पे थ्रेट फील कर रहे हैं, वो अपने पीयर ग्रुप में थ्रेट फील कर रहे हैं, वो क्लास में थ्रेट फील कर रहे हैं, और वो जो थ्रेट के उनके एलिमेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। एक जगह एक तरह की थ्रेट है, दूसरी जगह दूसरे तरह की थ्रेट है, तीसरी जगह तीसरे तरह की थ्रेट है। वो समझ नहीं पा रहा कि मैं किस थ्रेट को किस तरह से होप अप करूं। तो हमें हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को बच्चों को सुनने की जरूरत। मुझे लगता है कि इस पूरे करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हैप्पीनेस और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अलाइनमेंट कैसे, हमें बच्चों को सुनने की जरूरत है और बच्चों को सवाल पूछने के लिए तैयार करने की जरूरत। अभी बच्चे को हम बताते हैं बच्चा उसको पूछना ही नहीं चाहिए, यदि वो बच्चे का सवाल होगा और हम बताएंगे तो बच्चा इतना खुश होगा अंदर से, जो जैसे कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस, अरे मेरा सवाल कर लेगा। अभी हम बताना चाहते हैं क्यों, क्योंकि हम जॉब करते हैं, हमको सिलेबस खत्म करना है, हमको कोई किताब खत्म करनी है, हमको कोई बहुत सारी चीजें दे गई है कि ये आपको डिस्कस करनी है। तो हमें लगता है कि यदि ये हमने कर दिया तो बहुत अच्छे से इसी सीरीज हमारे काम की हो गई। तो बच्चे कहीं ना कहीं क्रिटिकली सोच नहीं पा रहे। एक बच्चे को जब आप देते हो कि देशभक्ति पे ऐसे लिखिएगा, वो ऐसे बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन सेकंड टाइम यदि उसका एक्ट देखोगे तो उसके एक्ट में देशभक्ति वाला एलिमेंट मिसिंग पाता है। आप किसी बच्चे को भी वैल्यू एजुकेशन से आप क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ टर्म वैल्यू एजुकेशन आप पूरा एक सवाल दीजिएगा, वो उस वैल्यू एजुकेशन में बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन लिखेगा, वो उसने गोल्डमैन से लेके और जिन जिन लोगों ने भी काम किया है वैल्यू के ऊपर वो सारा काम करेगा कि दलाई लामा साहब ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, हमारे सर ने ये कहा, वो सारी चीज लिखेगा। लेकिन जैसे ही रियल लाइफ में आप देखोगे तो जितनी चीज उसने लिखी है उन चीजों में से एक भी चीज आप नहीं पा रहे हो। तो ये एक मिसिंग है कि हम मार्क्स प्राप्त करने हैं तो ये लिखना मेरी मजबूरी है और दूसरा उसे मैं आचरण में लाऊं या ना लाऊं। और यदि हमारी एजुकेशन ये काम कर पाए कि जिसके लिए बच्चा स्कूल में आया था उसके बाद कॉलेज में आया था
बच्चा वो भी लेके जाए, सर्टिफिकेट भी लेके जाए, कोई मना नहीं करा, सर्टिफिकेट तो इम्पोर्टेंट है, वो लेके जाएगा ही। तो अब ये बात हुई हमारी कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या नहीं है, व्हाट हैप्पीनेस इज नॉट। तो क्लियरली व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हैप्पीनेस नहीं। मतलब आप और मैं, हम कोई बताने वाले नहीं होते कि यदि आप ये करते हो तो आप हैप्पी हो और यदि ये नहीं करते हो तो हैप्पी नहीं। यानी कि कोई प्रीचिंग नहीं है हैप्पीनेस। जैसे कोई प्रीचिंग कर दी, बता दिया ये करना चाहिए, हैप्पीनेस में चाहिए जैसी चीज नहीं है। हैप्पीनेस में है ऐसा है उसको हमको आइडेंटिफाई करना। जैसे बात रिलेशन की हो रही थी, तो हमें रिलेशन बनाने हैं लोगों से, या रिलेशन तो है ही, उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। सर है मेरे, रिलेशन तो है ही, मैम है मेरी, मेरे कलीग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो उन सबके साथ रिलेशन तो है ही, उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि इस रिलेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। हमें रिलेशन नए नहीं बनाने हैं, रिलेशन तो हमारे तमाम सभी लोगों से है ही, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका फिर निर्वाह करना है, उनको एंश्योर करना है। तो ये एक मोटिव नहीं है कि चलो पढ़ाता हूँ, ये नहीं करना वो नहीं करना, अच्छे बच्चे कैसे खराब बच्चे कैसे। हम दिन भर बहुत सारे टैगिंग कर रहे होते हैं, वो घर में भी टैगिंग कर रहे होते हैं बच्चे की, और स्कूल में और कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में भी हम टैगिंग कर रहे होते हैं। ये डिस्कोर्स नहीं है कोई, ये क्रिएटिंग ए जर्नी फॉर लर्नर, ये एक जर्नी है लर्नर के लिए। जो भी लर्नर है, मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर है, हम सब लर्नर है, जो भी पढ़ाने वाले पढ़ने वाले हैं सब लर्नर ही, क्योंकि हम सीखते रहते हैं। हमने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ी हैं जिसमें बताया गया है कि भाई सीखते रहते हैं और सीखना जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये एक जर्नी है सीखने की, ये डिस्कोर्स नहीं है कि ये चीज बता दी उसके बाद खत्म हो, और ये स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट नहीं है, उससे ज्यादा की चीज है ये। एक स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट कहते ही तो क्या होगा, ये मोमेंट्री होगा, वाओ मजा आ गया। अब जैसे ही मजा आ गया, भाई चलो घूमने चलते हैं, मजा करेंगे, लेकिन जहां घूमने गए, जहां हमने एंश्योर किया था मजा करेंगे, झगड़ा हो गया, या ऐसा कभी नहीं होता, झगड़ा हो गया। दूसरा देखें, वहां हमने उल्टी सीधी किसी पहाड़ पे किसी जगह जाके फोटो खिंचाई, एक सेल्फी ली, वो सेल्फी हमने ग्रुप पे डाल दी, व्हाट्सएप पे डाल दी, फेसबुक पे डाल दी। अब वहां उसके बाद 10 मिनट बाद में ये देखना शुरू कर देता हूं कि लाइक कितने मिले। अब आप ये बताइए, मैं उस एक्टिविटी से खुश हो गया या मेरे दुखी जर्नी शुरू हो गई। मैं घूमने गया, घूमने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं घूमने इसलिए गया कि दूसरे को भी बता सकूं, देखो आप घूमने नहीं गए हो, मैं तो घूमने गया। फिर वहां मैं फोटो डालूं, और फोटो डाल के फिर मैं ये देखूं कितने लाइक आए, और शाम तक मैंने देखा तो 3 लाइक आए। अब फिर मैं दुखी हो गया, यार ये तो 3 लाइक क्यों आए हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने अच्छे फोटो पे तो 500 लाइक आएंगे, 300 लाइक आएंगे। और जिन जिन लोगों ने फोटो देखी वो दुखी इसलिए हो गए, अच्छा अपने आप को बहुत बनता है, वहां जाके फोटो डाल रहा है, ठीक है अकेले गया जाने दो, या जब हमें नहीं लेके गया हमें क्या, उसने भी लाइक नहीं किया, देख भी लिया। मतलब अब उस घटनाक्रम से जिसमें सबको सुख मिलना चाहिए था, हैप्पीनेस की फीलिंग होनी चाहिए थी, उसने सबको अनहैप्पीनेस कर। ये क्यों किया? क्योंकि हमारा नोशन था कि शायद सेल्फी लेना हैप्पीनेस है। सेल्फी लेने में मैं कैटेगोरिकली कह दूं कोई बुराई नहीं है, किसी भी एक्शन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? यदि हैप्पीनेस, यदि मैं सेल्फी ले रहा हूं कि ये मेरी आदत के लिए है, मैं वहां गया था, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि मैंने सेल्फी ली और फिर सेल्फी डाली इस ट्राइजन के तहत कि इसको लोग लाइक करेंगे या आप सबको मजा आएगा, देखो मैं सबको पता लगेगा मैं यहाँ कितने मजे, तो ये कहीं ना कहीं फंसने वाले। अब एजुकेशन में जो मैंने बात शुरू की थी कि 3 साल का बच्चा आया और उसके बाद वो हमारे पास 14 साल पढ़ा, और 14 और 3 17 साल का गया, और यदि कॉलेज भी उसने किया तो 20 साल बच्चा हुआ। जब वो बच्चा आया और जब वो बच्चा कॉलेज से गया, तो कायदे तो उस बच्चे पे एक स्टैंप होनी चाहिए थी। स्टैंप मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फिजिकल स्टैंप की बात नहीं कह रहा, कोई भी ये कह सकता कि ये बच्चा फला जगह पढ़ के आया है, ये बच्चा बेईमानी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल निश्चित है, ये बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, ये वहां वहां पढ़ा है। पर अभी देखिए, जितना
झूठ वो हमारे स्कूल्स में हमारे कॉलेजेस में आने से पहले बोलता था, अब वो उससे ज्यादा झूठ बोल ना पाएगा। इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग आवर करिकुलम। तो ये जो बात हो रही है कि एजुकेशन में यदि इनपुट और आउटपुट नहीं है तो चीजें अलाइन नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हैप्पीनेस के साथ, जो हैप्पीनेस पूरा करिकुलम जो है वो लाना पड़ा, कि हमारी पूरी जर्नी क्या है वो लुकिंग हैप्पी है, मैं दूसरे को खुश दिख जाऊं। किसी ने कहा अरे डॉक्टर साहब कैसे आप दुखी नजर आ, नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं नहीं आज आप थोड़ा दुखी भाई मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि मैं अच्छा दिख जाऊं। वो पहनने से लेके गाड़ी से लेके बंगले तक रहने तक पोस्ट के हिसाब से और मैंने जो मेंटेन किया हुआ है उसके हिसाब से मैं खुश दिख जाऊं, खुश हूं। तो ये जो पूरा हैप्पीनेस करिकुलम है यदि हम इसको कंक्लूड करें इसके पर्सपेक्टिव की जर्नी को, कॉन्सेप्ट की जर्नी को, तो ये जर्नी है हमारी मूविंग फ्रॉम लुकिंग टू बीइंग, दिखने से होने की जर्नी है। मुझे खुद दिखना नहीं है, दिखूं या ना दिखूं मैं एक्चुअल में खुद हो जाऊं, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट चीज। मुझे हिंट कर देना मुझे जब समअप करना हो, क्योंकि अभी तो काफी सारा डिस्कशन है। वैसे तो अब क्या है कि हमने ये 2018 में दिल्ली में जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो लॉन्च किया, तो ये मैंने सारी बात की पर्सपेक्टिव की। अब हम लोगों ने क्या किया, पूरी एक हमने सबसे पहले दिल्ली में एक सेल एस्टेब्लिश की, सेल फॉर ह्यूमन वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। उस सेल में कुछ तंत्र के लोग भी थे, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट सेल, हम कुछ सिस्टम के लोग भी थे और कुछ हमारे कम्युनिटी के लोग थे उसमें, तो करीब 9-10 लोग जो हैं हम सेल के मेंबर हैं। उसके साथ हमारे कुछ मेंटोर साथी हैं जो हमारे हैप्पीनेस मेंटोर्स हैं 16, वो हमारा एक ग्रुप है। उसके साथ फिर कुछ एनजीओ पीपल हैं, हम सबने मिलके एक जद्दोजहद करके, तो सबसे पहले तो ये सबको क्लैरिटी बनी कि हम ये समझ लें कि हैप्पीनेस क्या है। इससे बिल्कुल एक क्लैरिटी बन गई कि हैप्पीनेस होने की चीज है, वो दिखने की चीज है, वो इनर स्टेट है, वो मेंटल स्टेट है, वो फिजिकल स्टेट नहीं। वो फिजिकल स्टेट वाली जितनी चीजें होती हैं उन सबकी भी हमको लाइफ में जरूरत होती है। एक बार भी मैंने ये नहीं कहा है कि उनको जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको जरूरत उनके रूप में होती है। अब जैसे कपड़ा है, कपड़े की जरूरत शरीर के लिए है, वो हम शर्ट डालें या साड़ी डालें वो हमको पहनना है, तो वो हमारी जरूरत है, लेकिन उससे मैं खुश नहीं होता। उससे ये तो है कि मेरे शरीर को कैसा कपड़ा सूट करेगा, पर यदि मैं ये सोचूं कि ये वाला ब्रांड लेके शायद मैं खुश हो जाऊंगा, यही मैं थोड़ा सा फंस जाता हूँ। वो मैं टेम्परेरी हो सकता हूँ, कुछ समय के लिए मुझे फील हो सकता है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में या कंटिन्यूअस 24/7, क्योंकि हैप्पीनेस 24/7 का मामला है, हैप्पीनेस टुकड़ों का मामला थोड़ी है, हैप्पीनेस को हर रोज हर क्षण चाहिए। देखिए यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान पूरे टाइम चाहिए, या मैं ये कहने को तैयार हूँ नहीं मुझको ऐसा है आप 23:59:59 सम्मान दे दो, एक सेकंड में मुझे कुछ भी कह दो। वुमन के साथ तो ऐसा नहीं चलता ना, क्योंकि उसको यदि ट्रस्ट है, ट्रस्ट में रहना है, उसको उसको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ रहना है, उसको अफेक्शन और लव की फीलिंग के साथ रहना है, तो वो 24/7 रहना है। तो जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो हमको जो भी चीज प्रदान करते हैं वो थोड़े समय के लिए, जैसे खाना खाना है कितना ही टेस्टी खाना हो, कितना ही टेस्टी जो भी आपकी अच्छी से अच्छी पसंद की चीज हो, लेकिन आप उसको कंटिन्यूस नहीं खा सकते। आप आधा घंटा खा सकते हो, 15 मिनट खा सकते हो, 1 घंटा खाने में लगा सकते हो, पर आपको कहा जाए कि आप खाते रहो निरंतर, लेकिन नहीं। लेकिन यदि आप ये कहो कि आपको सम्मान के भाव के साथ रहना है, आप निरंतर रह सकते हो, 24/7 रह सकते हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये ध्यान दिलाने की जरूरत है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जो हमें समझ आया हैप्पीनेस हमारी, वो मेरी अपने साथ और उस बाहरी जो वर्ल्ड है उस सबके साथ जो मेरी हारमनी है, मैं सिनर्जाइज हो जाऊं, मैं कहीं ना कहीं नो कॉन्फ्लिक्ट विद इन, मेरा खुद से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अभी हम क्या कहते हैं कि उससे मेरा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, अरे एक बार ठहर के सोचो, देखो अभी आपका अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट है, अभी आपका मेरे साथ ही कॉन्फ्लिक्ट, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं,
दूसरे की बात में जब करूं, जब पहले मैं अपने आप में ये डिक्लेरेशन कर दूं अपने लिए कि कम से कम मैं कॉन्फ्लिक्ट था, मेरा अपने से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, फिर जर्नी आती है दूसरों के साथ। हाँ, तो इसके लिए हैप्पीनेस के लिए जो हमने पैडागॉजी अपनाई, वो हमारी चाहे वो जॉयफुल लर्निंग हो, चाहे हमने बात की, डिस्कशन की, चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का, चाहे वो रोल प्ले है, तो अलग अलग तरह की जो पैडागॉजी हैं वो यूज़ की गई। और जो हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने वाला मामला कि हैप्पीनेस एक्सप्लोर कैसे होगी, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इसको मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूँ। हैप्पीनेस में यही है कि सबसे पहले मेरी मेरे साथ हारमनी होगी तो हैप्पीनेस एक्सप्लोर होगी, फिर मेरी जो मेरे भाव हैं, जो मेरा फील है, उनके साथ हारमनी होगी, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसमें चाहे स्कूल है, चाहे फैमिली है, चाहे मेरे पीयर ग्रुप हैं, उन सबके साथ जो मेरी फीलिंग है उसमें हारमनी होगी। कहता मैं कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, ये चीज दिखाई नहीं देगी। और मेरा सोसाइटी में जो और नेचर के साथ जो मेरा पार्टिसिपेशन है वो एक्टिवली दिखाई देगा, तो मैं समझूंगा कि मैं हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर। तो जब भी हम हैप्पीनेस की बात करें, इसमें हम खुद की बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, हम खुद को जांचते चले जाएं, खुद को वेरीफाई करते चले जाएं, और हम ये देखें तुलना का आधार क्या होगा, कल मैं कहां था, आज मैं कहां, मैं समझ के रूप में कुछ आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। अभी हम तुलना दूसरी चीजों से करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव का मामला है। एक छोटी सी एक मिनट की एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जैसे एक कहानी है कि तीन मजदूर थे, वो रास्ते में काम कर रहे थे, एक व्यक्ति कोई जा रहा था, उसने पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो, तीनों पत्थर तोड़ रहे थे, तो पहले ने कहा कुछ नहीं, देख नहीं रहा, अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या करूं। दूसरे से पूछा, भाई क्या कर रहे हो, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा था, उसने कहा कि पत्थर तोड़ रहा हूं, इससे कुछ पैसा मिलेगा, उससे मैं रोजी रोटी खा लूंगा, तो ये मेरा काम है, इसे मैं थोड़ा सा करना पड़ता है तो मैं कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा वो नहीं, उस स्थिति में नहीं था। तीसरा वाला जो था उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो, अब देखिए आप तीनों काम एक ही कर रहे हैं, मामला पर्सपेक्टिव का है। तो तीसरे ने कहा कि मैं स्कूल बनेगा उसके लिए मैं पत्थर दूंगा, और इस स्कूल में हमारे गांव के, हमारे आस पड़ोस के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख के वो अच्छे इंसान बने। तो हैप्पीनेस जो है वो अच्छा दिखने का मामला नहीं है, अच्छा बनने का मामला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कोई चीज रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारा मुझे डिस्कस करना था पर टाइम थोड़ा कम था, और फिर समय मिला कभी तो फिर बात करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सोमो जी को विशेष शुक्रिया सारी चीजें की व्यवस्था करने। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग।